कोयला मंत्रालय 24 फरवरी को 27 कोयला खदानों के लिए मॉक ई नीलामी आयोजित करेगा। इस ई नीलामी का उद्देश्य बोलीदाताओं को नीलामी प्रक्रिया से परिचित कराना है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के छठे दौर और पांचवें दौर के दूसरे प्रयास के तहत 36 कोयला खदानों के लिए 96 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने कहा कि भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है और 2023 की ग्लोबल ग्रोथ में अकेले 15% का योगदान देगा। वहीं वैश्विक विकास में इमर्जिंग मार्केट्स के साथ साथ डेवलपिंग इकोनॉमीज की हिस्सेदारी करीब 80% होने की उम्मीद। जॉर्जीवा ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था ने दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को महामारी से बाहर निकाला। रेलवे माल ढुलाई एवं पार्सल ट्रेन में वस्तुओं को चोरी होने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जल्द ही ओटीपी आधारित डिजिटल लॉक प्रणाली का उपयोग शुरू करने वाला है। इस प्रणाली का आमतौर पर ट्रक में इस्तेमाल किया जाता है, जहां एक स्मार्ट लॉक मुहैया किया जाता है जिसमें जीपीएस लगा होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कारोबार की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया। अब एनएससी के ताजा निर्णय के अनुसार ब्याज दर वाले डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए कारोबार का समय बढ़ाकर शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। ये फैसला आज से प्रभावी हो जाएगा। मौजूदा समय में अनुबंधों पर सौदे सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक के लिए किए जा सकते हैं। हालांकि अन्य ब्याज दर यानी कि डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए कारोबारी समय में कोई बदलाव नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है जो मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना कर सकती है। SD3385 नामक गेहूं की ये नई किस्म जल्द ही बुआई के लिए अनुकूल है। और अब खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई।